हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बीएससी का एक लेक्चर लेकर आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम बीएससी पार्ट वन का यूनिट वन का पेपर वन का एक लेक्चर और देखेंगे, जो हमारा मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड ही एक लेक्चर है। स्टूडेंट्स, मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। यूनिवर्सिटी के लेवल में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये माना जाता है और इसका डेरिवेशन हमें देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये रिड्यूस मास है क्या। वॉट इज मीन बाय द रिड्यूस मास? तो आइए देखते हैं कि ये रिड्यूस मास एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ रिड्यूस मास की तो बात की है, लेकिन वो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए की है। क्योंकि रिड्यूस मास एक्चुअली दो पार्टिकल वाले सिस्टम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें जब पूछा जाता है तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो हम यहाँ दो पार्टिकल सिस्टम की ही बात करेंगे। अब ये दो पार्टिकल सिस्टम का मतलब ये है कि यदि कोई सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल के बारे में हमको हर जानकारी वहाँ देनी पड़ती है, इससे अच्छा बेहतर हो कि यदि हम उसमें से उस दो पार्टिकल को एक पार्टिकल में यदि हम कन्वर्ट कर पाएँ तो हमें काम करना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिड्यूस ऑफ मास का है वो यही है कि दो पार्टिकल वाली एक बॉडी को हम सिर्फ एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे कार्य और भी आसान होंगे और कॉन्सेप्ट ईजी होता जाएगा। अब ये रिड्यूस वर्ड क्यों आया? हमने मास को तो रिड्यूस, एक्चुअली रिड्यूस वर्ड इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ मास को रिड्यूस करते हैं। यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जो मास आएगा वो एक्चुअल में मास जो होगा वो दोनों पार्टिकल के मास से भी कम होगा। कि सपोज कि दो पार्टिकल हमने लिए हैं भाई, एक पार्टिकल का मास जो है वो 5 kg है और दूसरे का मास जो है वो 8 kg है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मे बी लेस देन 5 होगा और लेस देन 8 होगा, मतलब वो 8 किलो और 5 किलो दोनों से कम होगा। तो इसलिए इसका नाम हुआ रिड्यूस मास। तो लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन। फिगर शो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर दो कण लिए हैं, एक जिनका द्रव्यमान m1 है और एक m2 है, जो कि एक सिस्टम के अंदर के कण है। हमने एक पॉइंट O लिया है, ओरिजिन है। ओरिजिन से दोनों के जो पोजीशन वेक्टर हमने लिए हैं वो R1 और R2 है, और दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है, जो स्थिति सदिश है या विस्थापन सदिश है, वो है हमारा R। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि यहाँ सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल है, तो सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यानी कि वो इंटरैक्शन करते हैं। अतः कण M1 के द्वारा M2 पर जो लगाया गया बल होगा वो F12 होगा, और जो M2 है उसके द्वारा जो M1 पर बल लगाया जाएगा वो क्या होगा, F21 होगा। तो ये अब समझते हैं कि ये जो फिगर है उस फिगर से हमें हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं, कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है उसकी वैल्यू क्या होगी और आगे हम कैसे रिड्यूस मास इस सिस्टम का निकाल पाएंगे। सो आपको क्लियर है यहाँ पर कि जो R है वो R1-R2 होगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हमारा ट्राइंगल ऊपर बना हुआ है उस ट्राइंगल में हमने वेक्टर ट्राइंगल रूल को लगाया है, जिससे R2 और R की डायरेक्शन सेम है और R1 की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। सो R2 + R1 = R1 होगा, जो कि आपका लिखा गया है। सो R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, R1-R2। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हम जानते हैं कि F12 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू m1d2r1/dt2 मास इनटू एक्सीलरेशन जो हम लेते हैं। ठीक इसी प्रकार 21 लेंगे, मतलब दूसरी बॉडी पर लगने वाला है तो 21 है, तो वहाँ m2 होगा और r2 होगा। सो m2d2r2/dt2 इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम किया। नाउ हम जानते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं उसका थर्ड लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हमने F12 = F21 तो लिया, लेकिन माइनस में लिया, इज इक्वल टू हमने F एज्यूम कर लिया। सो इक्वेशन नंबर 1 का रिड्यूस फॉर्म अगर हम निकालें तो d2r1/dt2 की वैल्यू F/m1 आएगी या F/m2 आएगी। R1 के लिए m1 होगी और R2 के लिए m2, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में आपको शो हो रहा है। अब हम जो हमारा फर्स्ट था R
इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं सेकेंड ऑर्डर का, दो बार करेंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो डी टू बाई डी टी टू आर वन माइनस आर टू, हमने सेपरेट किया दोनों को, डी टू आर वन बाई डी टी टू माइनस डी टू आर टू बाई डी टी टू, डी टू आर बाई डी टी टू इक्वल टू, हमने डी टू आर बाई डी टी टू अलग से लिख लिया और दोनों को आर वन माइनस आर टू को अंदर लिखा। अब जो हमारी डी टू आर वन बाई डी टी टू की वैल्यू आई है और डी टू आर टू बाई डी टी टू की वैल्यू आई है, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर टू में एफ अपॉन एम वन एंड एफ अपॉन एम टू, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। एफ को हमने कॉमन निकाला जिससे इनसाइड में वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू वैल्यू आई हमारे पास। ये वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू को हमने एज्यूम किया वन अपॉन म्यू, एक कॉन्स्टेंट, जिससे हमारे पास फॉर्मूला आया म्यू डी टू आर बाई डी टी टू इक्वल टू एफ। यही जो एफ इक्वल टू म्यू डी टू आर बाई डी टी टू है, उसमें जो म्यू है उसी को हम रिड्यूस मास कहते हैं। दैट मीन्स वन अपॉन म्यू इक्वल टू वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू हमने एज्यूम किया था, तो म्यू की वैल्यू आएगी एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस मास। दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट मासेस एम वन एंड एम टू। एम वन और एम टू में से जो भी छोटा होगा उससे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल जो है अंडर सेंट्रल फोर्स, जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें दो पार्टिकल का जो मास होता है, उस दो पार्टिकल वाली बॉडी को हम एक पार्टिकल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ ये रिड्यूस मास का यही कॉन्सेप्ट है। चलिए हम रिड्यूस मास की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमारे लिए बहुत न्यूमेरिकली भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि जो एम वन है और एम टू है वो दोनों इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में म्यू के फॉर्मूले पे यदि हम M1 की जगह भी M रखें और M2 की जगह भी M रखें तो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला में आंसर आएगा M बाय टू। इसका मतलब यदि दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं का एक निकाय यदि हम लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, तो उसका जो रिड्यूस मास होगा वो किसी भी एक कण के द्रव्यमान के आधे के बराबर होगा। मतलब 5-5 किलोग्राम की हमने यदि दो वस्तुएं ली तो कितना हो जाएगा उसका रिड्यूस मास, 2.5 किलोग्राम हमें मिलेगा। यदि हमने लिया कि दूसरी M2 जो है वो M1 से बहुत ज़्यादा है, यानी कि M1 को हमने निग्लिजिबल किया, जैसे हम सन और मून की बात करते हैं कि मून जो है निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू सन, तो वैसे ही M2 इज़ मोस्ट ग्रेटर देन फॉर M1 अगर हमने लिया, तो इक्वेशन में जब हमने सब्स्टिट्यूट किया M2 को डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला, तो हमने पाया कि हमारा जो आंसर आता है वो M1 के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी का मास कम है उसके बराबर आता है। इसका मतलब यदि हम सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एक निकाय यदि उससे हम बनाएंगे, एक पार्टिकल बनाएंगे, तो उसका जो मास आएगा वो चंद्रमा के मास के बराबर आएगा, क्योंकि वो छोटा पार्टिकल है या उसका वेट कम है या उसका मास कम है। अब हम बात करते हैं कि यदि इसका उल्टा लिया हमने, उल्टा लिया तो डियर स्टूडेंट्स तो भी यही कॉन्सेप्ट आएगा कि यदि M1 इस मोस्ट ग्रेटर देन हमने M2 ले लिया, तो इस बार M1 को बहुत बड़ा लिया है तो निश्चित रूप से म्यू की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, M2 आएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है ये रिड्यूस मास की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन के दृष्टिकोण से बड़े क्वेश्चन में ये आता है, अतः आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ समझ में ना आए पॉज करके उसे अच्छे से देखें, और कुछ क्लियर ना हो को तो कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।